वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के दरमियान किस तरह डाटा शेयर होता है। उसके बाद हम बिजनेस प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, देन हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखेंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम के इफेक्टिव यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और मैनेजर्स जो हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स कैसे सोचते हैं अपने कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्व करने के लिए। तो अगर मैं बिजनेस प्रोसेस की बात करूं तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक्स वन आर मोर काइंड ऑफ इनपुट एंड क्रिएट्स एन आउटपुट दैट इज ऑफ वैल्यू टू कस्टमर। ये कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज होती है जो एक या एक से ज्यादा इनपुट लेती है और उसके बदले में, उसके रिजल्ट में एक आउटपुट जनरेट करती है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है कस्टमर्स के लिए। एग्जाम्पल ये है कि इनपुट है, इनपुट क्या है, रिक्वेस्ट टू परचेज मोबाइल फोन। कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसने एक फोन परचेज करना है, तो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न फंक्शनल एरिया कौन हो सकता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है या मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है। ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या नेम्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे ये मार्केटिंग एंड सेल्स भी हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेल्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। सो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि उसने एक फोन परचेज करना है, इसका कंसर्न फंक्शनल एरिया जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। प्रोसेस जो है उस इनपुट के अगेंस्ट कुछ प्रोसेस होना है, वो क्या होना है कि सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस करना है। देन आउटपुट क्या जनरेट होगी, आउटपुट ये जनरेट होगी कि ऑर्डर इज जनरेटेड। जो भी कस्टमर ने मोबाइल फोन खरीदना था, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उस कस्टमर से पूछा कि उसने कौन सा फोन लेना है, किस स्पेसिफिकेशंस के साथ लेना है, देन उसके लिए कितने पैसे चाहिए कस्टमर को, वो उनको इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसको फोन चेक कराएंगे, पसंद कराएंगे, देन उसको फोन दे देंगे कस्टमर को और उससे पैसे ले लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है प्रोसेस के अंदर आ रहा है। आउटपुट जो है वो जनरेट क्या हुई है, ऑर्डर इज जनरेटेड, ऑर्डर एक जनरेट हो चुका है। टूडे बिजनेस मैनेजर्स थिंक इन टर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस रदर देन फंक्शनल एरियाज। थिंकिंग इन टर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हेल्प्स मैनेजर्स टू लुक एट देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव। नाउअडेज जो बिजनेस मैनेजर्स होती हैं वो बिजनेस प्रोसेस पे फोकस करते हैं, ना कि फंक्शनल एरियाज पे फोकस करते हैं। यानी उनका मेजर जो गोल होता है, उनका मेजर गोल ये होता है कि किस तरह वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सकें। जब कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो वो आपका रिपीटेटिव रिटर्निंग कस्टमर बनेगा। जब वो आपका रिटर्निंग कस्टमर बनेगा तो इनडायरेक्टली तौर पे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उनकी सेल बढ़े। तो नाउअडेज जितने भी बिजनेस मैनेजर्स हैं वो कस्टमर पर्सपेक्टिव की से सोच रहे होते हैं कि किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह अपने बिजनेस प्रोसेस को बेहतर करके कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाए। और बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के गिर्द घूमता है। यानी एक बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि 5 मल्टीपल फंक्शनल एरियाज में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो। फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर आया है तो सेल्स डिपार्टमेंट में वो चला गया, सेल्स ने उसको देखना है, उसके बाद अकाउंटिंग में भी होगा, प्रोडक्शन में देखा जाएगा कि आया वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है भी सही या नहीं है, लॉजिस्टिक्स को देखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल फंक्शनल एरियाज के गिर्द घूमता है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो एक फंक्शनल एरिया से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उसके बाद चौथे, इस तरह एक कंप्लीट सर्कल पूरा करता है। आगे भी यही आपके सामने बात की जा रही है कि बिजनेसेस मस्ट ऑलवेज कंसीडर कस्टमर्स व्यू पॉइंट इन एनी ट्रांजेक्शन। सक्सेसफुल कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद ईच बिजनेस फंक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। अगेन वही बात की जा रही है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और सक्सेसफुल कस्टमर इंटरेक्शन होनी चाहिए। वो कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है, वो कस्टमर एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से क्या मुराद है, इंटरनल कस्टमर से मुराद ये है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए, तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इंटरनल कस्टमर हैं
पहले डिपार्टमेंट के लिए, तो वो इंटरनल डिपार्टमेंट इंटरनल कस्टमर है। एक्सटर्नल कस्टमर जो है वो कस्टमर है जो एक्चुअल में यूज करने वाले हैं चीज को। तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल कस्टमर या एक्सटर्नल कस्टमर जो है वो बिजनेस प्रोसेस में कम्प्लीटली इंटरेक्ट करें। हो सकता है कि कस्टमर जो है एक्सटर्नल कस्टमर आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है और बाकी सारा काम जो है वो डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशनल एरियाज का काम है, तो ऑपरेशनल एरियाज जो है वो देख रहे होंगे इस चीज को, ना कि एक्सटर्नल कस्टमर देख रहा होगा। एक्सटर्नल कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और एट द एंड उसने पेमेंट दी, बाकी सारा जो प्रोसेस है वो किसकी सरदर्दी है, वो आपके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज की सरदर्दी है। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर्स हैं वो देख रहे होते हैं कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं और सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो सेटिस्फाई हुए तो वो क्यों सेटिस्फाई हुए, कौन सा बिजनेस प्रोसेस यूज किया गया जिसकी वजह से वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड कस्टमर बन गए। देन वो उस परस्पेक्टिव से सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी बाकी कस्टमर्स हैं उनको भी वही यूजर एक्सपीरियंस दिया जाए जो सेटिस्फाइड कस्टमर को मिला। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा शेयरिंग बिटवीन ईच मेन फंक्शनल एरिया, जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उनके दरमियान जो है वो डाटा शेयरिंग जो है वो किस तरह होती है। शेयरिंग डाटा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बिटवीन एंड विद इन फंक्शनल एरियाज लीड टू मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस। जितना ज्यादा अच्छा डाटा शेयर होगा मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज के दरमियान, उतना ही आपके बिजनेस प्रोसेस जो हैं वो एफिशिएंट होंगे। तो डाटा शेयर एफिशिएंटली होना चाहिए, डाटा शेयर होना चाहिए डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के दरमियान। यहाँ पे एग्जांपल हम एक देखते हैं कि बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, तो अगर आपने कोई कंप्यूटर नया कंप्यूटर खरीदना है तो सबसे पहले जो भी आपकी रिक्वायर्ड आपका सिस्टम है, आपने कोर i7 लेना है, कोर i5 लेना है, कौन सी जनरेशन लेनी है, जो भी जनरेशन लेनी है उससे रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलनी चाहिए कि जो भी सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कोर i5 है, कोर i7 है, कौन सी जनरेशन है, उसमें कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क टाइप कौन सी है, एंड सो ऑन, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन अगर तो अवेलेबल होगी तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही तो आप शायद उस चीज़ को छोड़ के चले जाएं। इसी तरह अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो शॉपकीपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आप उसी की प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, अदरवाइज आप शॉप छोड़ के चले जाते हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन आपने क्या किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया। जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो बैकएंड पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, कस्टमर का नाम ये था, इस वक्त उसने ऑर्डर प्लेस किया है और डिलीवर कहाँ करना है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई तो आपको ऑर्डर डिलीवर करना भी आपके लिए आसान हो गया, तो आप 24/7 सर्विस दे के उस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। कहने का मतलब है जितने भी सारे एरियाज हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, डिलीवरी देनी है आपने उनको सर्विस देनी है, इन सारे फंक्शंस में डाटा सारा सेम शेयर हो रहा है। यानी जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आई कि आपको जो ऑर्डर आया है वो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। अगली बात है मेक श्योर फंक्शनल एरियाज आर इंटीग्रेटेड, कि आपने ये मेक श्योर करना है कि फंक्शनल एरियाज वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। सेकंड जो इसका फैक्टर है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी अप टू डेट, कि कस्टमर के लिए जो भी डाटा चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कस्टमर की CNIC की बात करूं, तो अगर कस्टमर का CNIC एक्सपायर हो गया है तो कस्टमर को चाहिए वो अपना CNIC रीन्यूअल कराए, अगर वो रीन्यूअल नहीं कराता तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेटेड हो। अगर स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पे होना चाहिए कि स्टॉक शॉर्ट है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन आ रही हैं वो वेरिएशन भी आपके पास अपडेट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पर, या जो भी आपके पंपलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, उन पर वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग नीड्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सेल्स, के सेल्स डिपार्टमेंट ने जब सेल जनरेट करनी है तो डेफिनेटली उसे पता लग रहा है ना कि इस प्रोडक्ट की सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है,
तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो जरूरत है सेल्स डिपार्टमेंट से कि किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है और इस प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी, लेट्स सपोज 1 month में 1000 क्वांटिटी सेल हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उस तरह से चीजें मैन्युफैक्चर करेगा ना। तो एक अच्छा डाटा शेयरिंग बिटवीन फंक्शनल एरियाज के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि इफ फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स इज नीडेड इन अकाउंटिंग। अगर लेट्स सपोज कि एक कस्टमर को एक फोन खरीदने के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है, उसको फाइनेंस करना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जरूरत होगी? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी इसकी जरूरत होगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों अगर आपस में इंटीग्रेटेड होंगे तो ये डाटा ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा। जब ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो आपका बिजनेस प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्मूथ होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस प्रोसेसेस अकर एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी एंड इंक्लूड इवेंट्स दैट द कस्टमर सीज एंड इवेंट्स दैट आर इनविजिबल टू द कस्टमर। बिजनेस प्रोसेस के ऑलमोस्ट तमाम लेवल पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हैं, जिनमें कुछ इवेंट्स होती हैं और वो इवेंट्स कुछ विजिबल इवेंट्स होती हैं और कुछ इनविजिबल इवेंट्स होती हैं। किसके लिए विजिबल और इनविजिबल होती हैं? वो कस्टमर के लिए विजिबल और इनविजिबल होती हैं। समटाइम जब एक बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज, काफ़ी सारे इवेंट्स वहाँ ऐसे होते हैं जिनका कंसर्न कस्टमर के साथ नहीं होता। होता कस्टमर से रिलेटेड है बट उसका डायरेक्ट कंसर्न कस्टमर से नहीं होता, उसमें कस्टमर इंटरेक्शन जरूरी नहीं होती। तो वो जितने भी इवेंट्स होती हैं वो इनविजिबल इवेंट्स होते हैं कस्टमर के लिए, और जहां जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन है कस्टमर की वो विजिबल इवेंट्स हैं, और जहां पे कस्टमर की डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है वो इनविजिबल इवेंट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ऑर्डर की फुलफिलमेंट करनी है। फंक्शनल एरिया इसका क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे भी वही मैं बात करूंगा कि ये फंक्शनल एरिया का नाम डिफरेंट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, दूसरे में इसको SCM जस्ट यूज किया जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंप्लीट नेम ही नहीं यूज किया जा रहा। तो ये नेम वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस क्या है? शिपिंग एंड डिलीवरी। ऑर्डर को फुलफिल करना है, किस ऑर्डर को करना है, कितनी क्वांटिटी भेजनी है, कहाँ पे भेजनी है, वो सारा चीज प्रोसेस में आ जाएगी। आउटपुट में क्या आएगा? कस्टमर रिसीव द आइटम। कस्टमर को आइटम भेज दिया गया और कस्टमर ने उस आइटम को रिसीव कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ टाइप्स का डाटा जो है वो जनरेट होना है। अब पहले नंबर पे है कस्टमर का डाटा, किस कस्टमर को भेजा जा रहा है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कस्टमर का ईमेल क्या है, ये सारा कस्टमर से रिलेटेड डाटा है। तो पहली टाइप जो है वो कस्टमर डाटा है। दूसरी टाइप जो है वो आइटम डाटा है। आइटम डाटा में आइटम का नेम हो गया, आइटम की क्वांटिटी हो गई, आइटम की प्राइस हो गई, आइटम की टाइप हो गई है वो किस टाइप की प्रोडक्ट है। थर्ड टाइप का जो डाटा है वो ऑर्डर डाटा है। ऑर्डर टाइम क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है। फोर्थ नंबर पे पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, पेमेंट मेथड कौन सा यूज हुआ था और पेमेंट टाइप क्या थी, आया इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की गई है, आया फुल पेमेंट की गई है, आया कैश की गई है, आया किसी कार्ड के थ्रू की गई है। इस तरह ऑर्डर फुलफिलमेंट से रिलेटेड भी कुछ डाटा स्टोर होगा कि कब डिलीवर करना है, कब डिलीवर हुआ, डेट एंड टाइम क्या थी, डिटेल क्या थी। तो मल्टीपल टाइप्स का डाटा जनरेट हुआ एक बिजनेस प्रोसेस के अगेंस्ट। वो प्रोसेस क्या था? वो था फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। इसके अगेंस्ट मल्टीपल टाइप्स का डाटा जनरेट हुआ। हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। दूसरी एग्जाम्पल है टेक्निकल सपोर्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी प्रोडक्ट भेज दी कस्टमर को एंड देन उस कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, तो इसका फंक्शनल एरिया मार्केटिंग एंड सेल्स हो सकता है, या शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम जो है आफ्टर सेल सर्विसेज हो। प्रोसेस क्या होना है जी? 24 आवर्स हेल्पलाइन जो है वो दी जा रही है। आउटपुट क्या होगी इसकी? कस्टमर टेक्निकल क्यूरीज रिजॉल्व। तो टाइप ऑफ डाटा जो है वो जनरेट किस तरह का हुआ? अगेन कस्टमर टाइप का डाटा जनरेट हुआ जिसमें कस्टमर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आ गई। उसके बाद आइटम से रिलेटेड आ गए डिटेल, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टाइप। कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड डाटा आ गया कि कौन बंदा उसको डील कर रहा है। कस्टमर की जो क्यूरी आई तो कंसर्न बंदा कौन था जो उस क्यूरी को रिजॉल्व कर रहा है, उसको कितना टाइम लगा रिप्लाई देने में, कितनी देर लगी उसको कस्टमर को उस बंदे की क्यूरी रिजॉल्व करने में। डेट लेवल,
उसके बाद सॉरी डेट डेट आ गई, कौन सी डेट को वो क्यूरी आई थी, एंड देन लेवल कि आया उसका क्या लेवल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि उस टेक्निकल सपोर्ट का लेवल जो है वो हाई प्रायोरिटी हो सकता है, लो प्रायोरिटी हो सकता है, डिफरेंट किस्म के लेवल्स हो सकते हैं। इस तरह आपकी क्वालिटी का डाटा भी स्टोर हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है उसने जो रिप्लाई दिया उसको कितना मिनट, कितने मिनट्स लगे, यानी कस्टमर को कितनी देर इंतजार करना पड़ा पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का रिप्लाई हासिल करने में पहली दफा जब उसका रिप्लाई आया, देन डेट क्या थी, टाइम क्या था, एंड देन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था। एट द एंड जब क्यूरी रिजॉल्व कर दी गई तो सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव ने कस्टमर से पूछा कि आपको हमारी सपोर्ट कैसी लगी, वो उसे सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड भी डिटेल ले रहा है, तो वो भी डाटा आपका स्टोर हो रहा है। तो एक प्रोसेस के अगेन मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर हो रहा है। अब ये सारा डाटा मल्टीपल जगहों पे यूज होना है, तो अगर फंक्शनल एरियाज आपस में इंटीग्रेटेड होंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। एक और एग्जांपल है जी, जिसमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए परचेज के लिए, और लेट्स सपोज एक कस्टमर है उसको गाड़ी खरीदनी है और वो बैंक से फाइनेंसिंग कराना चाह रहा है, तो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, बैंक का फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा। प्रोसेस क्या है, अरेंजिंग फाइनेंसिंग इन हाउस, फाइनेंसिंग अरेंज की जा रही है। आउटपुट क्या है जी, कस्टमर फाइनेंसिंग थ्रू द कंपनी। अब हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं और एक्सप्लेन करेंगे कि ये आज के दौर में ग्लोबली और कंपिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में ये क्यों ज़रूरी है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स दैट कलेक्ट, मैनिपुलेट, स्टोर, डिसिमिनेट and finally provide a corrective reaction feedback to meet an objective। यानी किस तरह information collect हो रही है, input ली जा रही है, manipulate की जा रही है, उसको process किया जा रहा है, then store किया जा रहा है, and then disseminate हो रही है कि उसकी output क्या generate हो रही है, उस data से क्या information generate हो रही है, and finally उस पूरे process के against एक feedback लिया जा रहा है अपना ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इनपुट क्या है जी, एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डाटा। प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल आउटपुट, और आउटपुट में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी आप इनपुट ले रहे हैं, रॉ डाटा ले रहे हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और देन फाइनली आप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। फीडबैक क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम दैट इज यूज टू मेक चेंजेस टू इनपुट एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। फीडबैक आप ले रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसी भी चीज़ का है, कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के एंड पे आप फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस है, ये आपने हमारी सर्विस यूज की है, ये आप कैसी लगी, हमारी सर्विस आप कैसी लगी, हमें रेट करें। वो आपको रेट देगा, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा, और जो आंसर आपको मिलेंगे उस फीडबैक के अगेंस्ट आप अगेन उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड कुछ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होते हैं और कुछ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस, पीपल एंड प्रोसीजर्स, इस सारे सिस्टम को हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। उसमें हार्डवेयर भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, डेटाबेसिस भी आ जाते हैं, लोग मल्टीपल लॉग्स भी आ जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस भी आ जाती हैं, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं। ये सारे आप कन्फिगर करेंगे किसके लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, और डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको इनपुट जनरेट करने के लिए। इन सारी चीज़ों को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। तो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें तमाम फंक्शनल एरियाज का डाटा जो है आपस में शेयर हो रहा है। डाटा शेयरिंग विद इन फंक्शनल एरियाज लीड्स टू मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस। जितना ज़्यादा अच्छा डाटा शेयर होगा उसी उतना ज़्यादा आपके बिजनेस प्रोसेस एफिशिएंट होंगे। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को सक्सेसफुल बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उनमें थ्री मेजर एलिमेंट्स हैं। पहले नंबर पे है आपका लोग, यानी पीपल, देन टेक्नोलॉजी, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे बैगेज हैंडलिंग एट लाहौर एयरपोर्ट। आप कोई और एयरपोर्ट ले लें, एयरपोर्ट की एग्जाम्पल बेसिकली ली जा रही है कि बैगेज हैंडलिंग करनी है एयरपोर्ट पे, तो उस पर
पहले नंबर पे है हमारे पास पीपल, तो वो क्या चीज है, वो ये है कि स्किल्ड पीपल टू बिल्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको स्किल पर्सन चाहिए उस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन पहले बनाने के लिए एंड देन उसको मेंटेन करने के लिए। एंड देन स्किल पीपल टू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने के लिए भी स्किल पर्सन चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में आपको बारकोड आपको चाहिए, आपको बैगेज ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको बैगेज सॉर्टिंग सिस्टम चाहिए, आपको रोबोट्स चाहिए, आपको कन्वेयर बेल्ट चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। देन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम इज क्रिटिकल टू अचीव बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट्स कल्चर दैट फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको बैगेज हैंडलिंग करनी है बट कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना है, ऐसा बेहतर एक्सपीरियंस देना है जिससे कस्टमर अच्छा फील करे, यानी मैनुअल से हटके वो ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैगेज हैंडलिंग हो रही है बट पर्सन हर पर्सन को चेक किया जा रहा है, डिटेल चेक किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उसके सामान को ओपन किया जा रहा है, नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप बार कोड स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, बाकी भी जो टेक्नोलॉजी हमने पीछे बात की है आप वो यूज़ कर रहे हैं, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बैगेज सॉर्टिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कस्टमर को एक अच्छा सा अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि वो आपकी सर्विस से खुश हो, जिससे आपको इनडायरेक्टली तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होना। नेक्स्ट है जी, हाउ डू आई एस दैट लिंक द एंटरप्राइज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो एफिशियंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग फंक्शनल एरियाज, बिजनेस यूनिट, सप्लायर एंड कस्टमर। जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंट होगा फंक्शनल एरियाज के दरमियान, बिजनेस यूनिट्स के दरमियान, सप्लायर के दरमियान और कस्टमर के दरमियान, ये चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करेगी। जब ये डाटा इन सारी यूनिट्स के दरमियान शेयर होगा, अच्छे से शेयर होगा, तो आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलेगा पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपको एक बर्ड आई व्यू मिलेगा जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल व्यू ले सकते हैं, आपको उसकी डिटेल ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिस जो नॉर्मल तौर पे आपको शायद ना मिलती हो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, शेयर्ड होंगी, देन आपको जो डिटेल जिस लेवल पे चाहिए वो आप हासिल कर सकेंगे और डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वो कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के रोल को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। तो मेजर जो हैं वो उनमें बिजनेस फंक्शंस हैं, बिजनेस प्रोसेसेस हैं और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। ये तीन मेजर जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।